दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सी ओ टैबलेट के यूज़ के बारे में इसके इस्तेमाल के बारे में इसके डोज के बारे में सही डोज कितना होता है कब इसको लिया जाता है इसी के साथ साथ इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कब हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे बात करेंगे अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हो आप इस टैबलेट का गलत इस्तेमाल ना करें जिससे आपको नुकसान हो जाए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें इसका नाम है सीफी ओ यानी कि ओ का मतलब सीधा सीधा यह है कि इसमें कोई और साल्ट है जो कि ओ फ्लॉक्सासिन है सीफी का मतलब सिफिक्जिम इसीलिए इसका नाम सीफी ओ रखा गया है क्योंकि इसमें दो साल्ट है अगर इसमें सिर्फ सिफिकिम होता तो इसका नाम सीफी होता तो सिफिक्जिम ओ सिफिक्जिम और ओ फलासोसिन दो साल तो इसमें हैं दोनों एंटीबायोटिक है किसी किसी पेशेंट में दो तो इसलिए इसमें मिलाया गया है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में टाइफाइड नमूनिया जो भी बीमारी होती है बैक, बैक्टीरियल वो सही नहीं होती है तो डॉक्टर्स आमतौर से कंबाइन करके दवा इस्तेमाल करते हैं अगर हम अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो आपको दो टैबलेट खाना पड़ेगा इसलिए एक ही टैबलेट में दोनों दवाएँ डाल दी जाती हैं ताकि पेशेंट को मरीज़ को खाने में आसानी हो दोनों एंटीबायोटिक है तो दोनों का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ किया जाता है चाहे वो टाइफाइड हो चाहे नमूनिया हो चाहे डायरिया हो चाहे कोई बदन में फोड़ा हो उसको सुखाने के लिए ऑपरेशन के बाद अगर जख्म सूख नहीं रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम बैक्टीरियल है जिसे ट, है मैंने कुछ जो भी प्रॉब्लम बैक्टीरियल होगी तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इसमें रोकथाम नहीं है कि आपको कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा किस दवा से शुरू करनी है कभी कभी बहुत सारी जो हार्ट दवाएं होती हैं वो काम नहीं करती लेकिन सिविजिम वहां पर काम कर जाती है तो इसलिए हम कहीं भी बैक्टीरियल एंटी के तौर पर हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों हम जान लेते हैं इसका सही डोज़ क्या होता है उसके बाद हम साइड इफ़ेक्ट और कब इसको, इसको इस्तेमाल करना है वो जानेंगे तो सही डोज इसका होता है आमतौर से जो सिफिक्जिम का भी डोज 200 यानी कि 400 मिलीग्राम पर डे और ओफलासासिन का भी डोज 400 मिलीग्राम पर डे अटल्ट डोज होता है तो आमतौर से इसमें जो सिफिक्जिम भी टू है और ओफ्लासासिन भी टू हंड्रेड है तो हम इसका एक टेबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम आमतौर से पेशेंट को देते हैं दे सकते हैं लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको तीन टैबलेट भी दिया जा सकता है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और डॉक्टर क्या समझ रहा है उसको दो इस्तेमाल कराना है या तीन इस्तेमाल कराना है दोस्तों इसी के साथ अगर हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लें तो इसको लेने के बाद किसी को पेट में दर्द उल्टी या डायरिया जैसी कंडीशन हो सकती है लेकिन बहुत हल्की एक दो दिन उसको प्रॉब्लम होगी उसके बाद वो सही हो जाएगा आप अगर इस दवा को एक बार शुरू कर दें तो इसको बंद ना करें जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइज़ ना करें क्योंकि सात से चौदह दिन का कोर्स होता है उस कोर्स को करने के बाद ही आप इस दवा को बंद करें अगर हम बात करें कि कब इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो अगर आप सिर्विकिम या उफ्लासासन का कोई टैबलेट ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है अपने डॉक्टर से बात करनी है उसको बताना है उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है अगर आपको इससे एलर्जी है तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है आमतौर से खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद या खाना खाने के फौरन बाद भी आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कोई पेशेंट है जिसको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है या खाना नहीं खा पा रहा है तो बिस्किट वगैरह देकर भी इसको हम दे सकते हैं कोई बात नहीं है खाली पेट भी दिया जा सकता है कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है दोस्तों किसी भी दवा के सेवन से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें उससे मशा कर लें उसके बाद ही दवा इस्तेमाल करें अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स लॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस